रतलाम के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सागला में रुपए दुगने करने के नाम पर कथित बाबा और उसके साथी ने उज्जैन के एक युवक से 2,53,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार उज्जैन और ग्राम सागलाखो के रहने वाले दो दोस्तों के साथ ठगी को अंजाम दिया गया है। एक साल पहले अजय अपने गांव आ रहा था, जहां पर उसे जावरा के जाकिर का पता चला जो रुपए दुगने करता है, और जब वो जाकिर से मिला तो उसने 10 रुपए से 800 रुपए बनाकर दिखा भी दिए। इसके बाद धर्मेंद्र 2,53,000 रुपए लेकर शिवगढ़ बस स्टैंड पहुंचा। यहां से वह अजय के साथी सागर के घर ग्राम सगला पहुंचे। वहां पर योगेंद्र, धर्मेंद्र, सागर और अजय की उपस्थिति में जावरा से आए जाकिर बाबा ने सागर के घर पर तांत्रिक क्रिया शुरू की और धर्मेंद्र द्वारा लाए गए रुपये लाल कपड़े में बांध दिए। कुछ देर पूजा पाठ करने के बाद जाकिर और उसके साथी ने कहा कि उन्हें रावटी रोड पर हनुमान मंदिर के पास छोड़ दो और पीछे मुड़कर नहीं देखने की बात कही और कहा कि घर जाकर देखोगे तो रुपए दुगने हो जाएंगे। योगेंद्र, जाकिर और उसके साथी को बाइक पर बैठाकर हनुमान मंदिर के पास छोड़ाया और घर आकर देखा तो रुपए गायब मिले। जाकिर और उसके साथी की खोजबीन शुरू की गई, लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी कर ठगों की तलाश की, लेकिन ठगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जाकिर ने बताया कि एक आदमी को और जानता है जो पैसे वैसे डबल कर देता है, तो बाबा से दोस्ती कराई, बाबा से दोस्ती हो गई। बाबा ने इनको रविवार के दिन सुबह जो है 10 रुपए के 80 रुपए 800 रुपए बना के दिखा दिए, तो इनको लालच आ गया योगेंद्र चौहान को कि पैसे डबल कर देता है। तो बोले बड़े नोट लेके अपने भाई को बुलवाया, 2,53,000 रुपये ये बड़ा भाई अरेंज करके कल शाम को 4-5 बजे शुगड़ आ गए, और शुगड़ से वो बाबा अभी वहाँ पहुँच गया 7-1 बजे उन्होंने तंत्र मंत्र करना चालू करा और वो पैसे डबल करने के बहाने इनसे 2,53,000 रुपये लाल कपड़े में बांध लिए और हनुमान मंदिर पर एक क्रिया और करने का बोल के इनको बोले पीछे मुड़ के मत देखना, और ये पैसे लेके चंपत हो गया बाबा और जाकिर।